मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित वार्ड नंबर 18 विद्यापुरी मोहल्ला निवासी की मोबाइल दुकान अमित कुमार के घर घुसकर अज्ञात चोरों ने लगभग 4 लाख रुपए के मोबाइल किए चोरी। दुकानदार को सुबह जागने के बाद घटना का चला पता। दुकानदार द्वारा घटना की सूचना सदर पुलिस को दे दी गई है। पीड़ित दुकानदार अमित कुमार ने बताया कि वे अपने घर के सामने मधेपुरा होटल के पास लक्ष्मी मोबाइल शॉप नाम से एक दुकान पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं। वे प्रत्येक दिन रात्रि में दुकान बंद कर सारा मोबाइल घर लेकर चले जाते थे। मंगलवार को भी सभी मोबाइल लेकर घर चले गए और मोबाइल के बैग को घर में ही एक सुरक्षित जगह पर रखकर सो गए। इसी बीच रात में करीब 1 बजे अज्ञात चोर घर के बाथरूम का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए, जिसके बाद 4 लाख रुपए के मोबाइल से भरे बैग को लेकर वह फरार हो गया। दुकानदार ने बताया कि दुकान के सामने लगे अन्य दुकान की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद खोक्षी बाग जिला पूर्णिया निवासी विपिन कुमार पिता कैलाश शाह के रूप में चोर की पहचान हुई है। मधेपुरा सदर थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बताया कि दुकान से मोबाइल चोरी के मामले में दुकानदार द्वारा आवेदन मिला है। चोर की तलाश शुरू कर दी गई है, जल्द ही गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। GBN 24 न्यूज के लिए जिला ब्यूरो अमीर आजाद की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? कल रात को मैंने दुकान बढ़ा के अपना सारा कीमती मोबाइल जो भी था घर पे ले गया। रात में मेरे घर से तकरीबन 22 मोबाइल चोरी हो गया। एक बैग था काला रंग का, वो बैग ही गायब हो गया। और सुबह में हम लोग उठे तो देखे मेरा बैग नहीं है, तो फिर मैंने बहुत प्रयास किए, इधर उधर खोज भी किए, कहीं कुछ नहीं मिला। अगल बगल में फुटेज चेक किए तो कुछ सुराग मिला है जिसके मुझे शक है, और उसके दरमियान मैंने अप्लीकेशन थाना में दिया हूँ। क्या नाम है? अमित कुमार। Yeah. कल रात में मैंने दुकान बंद करके अपना सारा कीमती मोबाइल घर लेके चले गया। उसके बाद सुबह में उठे तो मेरा एक बैग मोबाइल गायब था, जिसमें वो बैग में 20 पीस मोबाइल था, ब्लैक कलर का बैग था, और वो मेरा चोरी हो गया। मैंने बहुत प्रयास किया, इधर उधर खोजा, कहीं कुछ नहीं मिला।